हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक आप सभी के लिए। और आप सभी इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ कुछ बातें आपको मोटिवेट करूँगा। अच्छी तरह सुनिए, अपने माइंड में बिठाइए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। खुद जिम्मेदार है, खुद रेस्पॉन्सिबल है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, किस चीज के रेस्पॉन्सिबल है हम? आपकी स्टडीज के रेस्पॉन्सिबल खुद है, आपके मार्क्स के रेस्पॉन्सिबल खुद है, आपकी स्ट्रेटजी के रेस्पॉन्सिबल खुद आप है, आपने S7 कैसे लिखे उसके रेस्पॉन्सिबल खुद आप है। अब आपको बी रेस्पॉन्सिबल बनना है, मतलब जिम्मेदार आपको बनना है। जिम्मेदारी किस तरह निभाएंगे? जिम्मेदारी निभाने के लिए मेहनत भी बहुत ही जरूरी है। जैसे आपने अपने पिछले एग्जाम लिख चुके हैं, उस एग्जाम में आपने कुछ चूज किया होगा कि ये क्वेश्चन मुझको समझ नहीं आया, ये सब्जेक्ट मुझको टफ लगा है, इस क्वेश्चन को मैं समझ नहीं पाया हूँ, ये टॉपिक्स मैं लिख नहीं पाया हूँ, मैंने एक कॉन्फिडेंस से ये आंसर्स तो लिखा था उसके बावजूद भी रॉन्ग गए हैं, पेपर मैंने देखा हूँ इतने कम मार्क्स मुझको कैसे आए, अगर आए अच्छे मार्क्स आए तो उसको और अच्छा मैं किस तरह करूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। ये चार चीज़ों को थिंक करना, सोचना, समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है, उस पर हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जो सब्जेक्ट आपको वीक लगा है उस सब्जेक्ट को आपको स्ट्रांग बनाना है, आपके पास 4 to 5 months टाइम है। नहीं, मैं वीक सब्जेक्ट है, मुझको समझ नहीं आता, मैं वो सब्जेक्ट नहीं लिख पाता, ये बहुत बड़ी गलती आप कर बैठोगे। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका GPA अच्छे लाना, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमको 90% आना, 95% आना, 80% आना, क्या उसके लिए आप उतनी ही मेहनत कर रहे हो? बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम बहुत दिन है जब पढ़ेंगे, लिखने में मसरूफ, होमवर्क करने में मसरूफ, रिविजन चल नहीं चल रहा है, सिलेबस आगे बढ़ रहा है, हमारे कुछ सेल्फ नोट्स नहीं, वही वो बुक वही गाइड में से हम पढ़ते जाएंगे, जब भी एग्जाम आता उस आंसर्स को फिर याद करने की नौबत आती है। क्यों? क्योंकि आपके सेल्फ नोट्स नहीं, उसको पहले अंडरस्टैंड करके समझ के पढ़ने की कोशिश आप बिल्कुल नहीं करते हो। एक टॉपिक मिला है तो टॉपिक की गहराई तक जाना है, वो टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, वो टॉपिक्स में किस तरीके के आंसर क्वेश्चंस हमको आते हैं, वो आपको सोचना चाहिए। बल्कि नहीं, हम ये टॉपिक नहीं पढ़े नहीं समझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वो बुक से पढ़ लेंगे, गाइड से पढ़ लेंगे, तो क्या होगा, इससे आपको एग्जाम में जाकर बहुत इसका दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए रेस्पॉन्सिबल बनने का मतलब ये है कि जो बच्चे कुछ जितने दिन हैं उसका पूरी तरह 100% बेनिफिट आपको उठाना है, पूरा पूरा फायदा उठाना है। कब उठा पाओगे? स्कूल को रेगुलरली जाना है और स्कूल का अच्छी तरह सुनना है, स्कूल का प्रॉपर वर्क करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है, वीक में वन टाइम आपको रिवीजन करना है, ये बहुत सारे चीज़ें एक प्री प्लान के तहत आपको करना है, तभी जाकर एक सक्सेसफुल स्टूडेंट, एक ग्रेट GPA वाले स्टूडेंट्स आप बन सकोगे। ऐसे ही नहीं आएगा 90% 95% सिर्फ बैठ कर सोचेंगे, उसके लिए हम मेहनत नहीं करेंगे, कोई ना कोई हमको हेल्प कर देगा, हम सामने वाले के पास से देखें, ये सारे चीज़ें सेकेंडरी है। प्राइमरी आपको मेहनत, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पे भरोसा रखते हुए आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी तो स्कूल्स रेगुलरली चल रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे क्या पूरे स्कूल्स में सिलेबस बढ़ रहा है, कुछ स्कूल में ऑलरेडी हो गया है, कुछ स्कूल में रिवीजन चल रहा है, अभी आपको दिसंबर जनवरी तक में भी पढ़ाएंगे, उसके बाद साइकिल टेस्ट रिवीजन टेस्ट आपको स्टार्ट होंगे। मैं भी सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपके लिए रिवीजन स्टार्ट करूँ, कुछ बचा पोचा पोर्शन है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। वैसे तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एवरी चैप्टर तेलुगु और मैथमेटिक्स कम्प्लीटली मेरे चैनल पे अपलोडेड है,
चैनल पे पढ़ा हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक करके अपने सिलेबस को आगे बढ़ा सकते हो। फिर भी मैं आपके लिए एक अलग मेथड से, नए मेथड से सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। एक थोड़ा सा टाइम निकालिए अपना वैल्यूबल टाइम में से, एक आधा घंटा 20 मिनट्स, छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम वाले कभी नहीं बनाता। बहुत से बहुत 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, ज़्यादातर 20 मिनट्स के, 15 मिनट्स के, 10 मिनट्स के ही होते हैं, क्योंकि ताकि ज़्यादा आपका टाइम नहीं लें, उसके अंदर ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर करता हूँ। तो मेरे डियर स्टूडेंट, उतना टाइम भी अगर आप देंगे तो एक बार रिविजन हो जाएगा, एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमको एग्जाम में जाकर हम ये लिख सकते हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए। मैं तो चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट करूँ आपके लिए। कुछ स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स वैसे ही देखते हैं, अच्छा लगा बल्कि खुश हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट देखते भी नहीं हैं। बस जो स्टूडेंट मोटिवेट हो रहे हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है, समझिए। अब किसी को हम फोर्सफुल्ली, किसी को ज़बरदस्ती हम कह नहीं सकते कि ये कीजिए। आप अक्लमंद है, क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, आप रिस्पॉन्सिबल है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाखुदी आप समझिए, जानिए, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ऐसा ना हो कि S7 में जो सब्जेक्ट वीक थे वही फिर दोहराना पड़ेगा, क्योंकि S7 के बाद हमको टाइम मिल रहा है उस सब्जेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए, लेकिन जब एक बार एनुअल होगा उसके बाद आपको कोई टाइम मिलने वाला नहीं है। अभी वक्त है, टाइम अभी नहीं बीत गया, बहुत सारा टाइम आपके पास पड़ा हुआ है। सिर्फ सिलेबस के पीछे नहीं, वो हमको मॉडल पेपर्स करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, इम्पोर्टेंट सॉल्व करना है, बहुत सारा अभी हमको वर्क बाकी है। वो तभी हम कर पाएंगे जब आपका साथ पूरी तरह एक फ्रेश माइंड से, एक कॉन्फिडेंस माइंड से होगा। ऐसा नहीं कि मैं एक करा रहा हूँ, आपका माइंड कहीं और है, स्कूल में एक वर्क दिए हमको ये करना है, नहीं, बिल्कुल जितना सिलेबस है कंप्लीट आपको कर लेना है, उसके बाद फ्री माइंड से बैठ के हम ये हासिल करके रहेंगे। ये हमको किसी तरह कॉन्फिडेंस आ गया कि हम एनुअल एग्जाम अच्छी तरह लिखेंगे, ये सारे चीज़ें तब आप पे होंगे तो जब हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के वीडियोस चाहते हैं तो चैनल पे बने रहिए। हाँ, एक अलग से प्लान बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, जैसा आपको मुनासिब समझते हैं बनाइए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर टाइम टेबल आप बना के दे दीजिए, मैं बनाऊँगा तो मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि आपके हिसाब से आपको बनाएं। आप कब फ्री होते हैं, आपका स्कूल कब छूटता है, कुछ स्कूल में स्पेशल क्लासेस होते हैं, कुछ स्कूल में लेट छोड़ते हैं, कुछ स्कूल में खुद ट्यूशन होता है, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से होता है। इसलिए आपका टाइम टेबल खुद सेट करना है, अपने टेबल पर रखना है, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है। नहीं, रोशन सर हमको बोले कि एक टाइम टेबल बनाओ, बना लिया बस खुश हो गए, टाइम टेबल एक तरफ हम एक तरफ, नहीं, सीरियसली फॉलो करना है तो ही बनाइए, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। बस इतना ही कह सकता हूँ। ऑल